हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास थर्ड में सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन नंबर फोर जो कि बुक पेज 27 पे है, का क्या नाम है, बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी, स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो के बारे में है। ये पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन के बारे में मैं बताऊँगी कुछ आपको कि इस लेसन में आया क्या है। इस लेसन में स्वच्छता के बारे में बताया गया, स्वच्छता यानी अपनी सफाई के बारे में बताया गया है कि कैसे अपने साफ रहेंगे। तो अपना पर्सनल हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपनी खुद की सफाई, पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब है, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अपनी खुद की पहले स्वच्छता होएगी, सफाई होएगी तो ये अपने आसपास सफाई रख सकेंगे। अपने को सफाई का मतलब समझना चाहिए और हाथों को डेली रूटीन में यानी अपने को बार बार वॉश करना चाहिए। जब भी कोई काम करते हैं तो हैंड वॉश करके करना चाहिए, खाना खाना चाहिए हैंड वॉश करके, अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए और अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, डेली नहाना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए। ये लेसन इसके बारे में है और कैसे आप लोग हाथ धोओगे इसमें ये भी बताया गया है। और अगर अपने हैंड वॉश नहीं करेंगे या अपनी सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अपने बीमार हो जाएंगे। आप चाहते हो क्या बीमार हो ना? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम बीमार होए, इसलिए अपने को इसके लिए खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ जाते हैं, जहाँ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, स्कूल में या घर में कहीं भी हो तो अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी पड़ेगी, तो ही अपने बीमारी से दूर रह सकेंगे। अपने पढ़ाई करनी है, पढ़ के खाना खाना है, खेलना है, जहाँ भी बैठना है अपने को साफ़ सुथरा होना चाहिए आसपास, कचरा नहीं फैलाना, जो भी रैपर वगैरह डस्टबिन में फेंकने चाहिए, इस तरह अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा अपने को हानि हो सकती है। अब अपने इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि इस लेसन में क्या बताया गया, आप ध्यान से पढ़ोगे, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा लेसन है, शिक्षा वाला लेसन है। अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो ही आपको बहुत बातें सीखने को मिलेंगी और आप अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़ सकोगे। अब स्टार्ट करते लेसन। नो बॉडी वांट्स टू फॉल इल, इज नॉट इट, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। इसकी क्या हिंदी है कि कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, क्या नहीं, आप होना चाहते हो बीमार? नहीं ना। वैन वी आर क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड वी फील हैप्पी, जब हम साफ सुथरे होते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम क्या लगता है, हम खुश होते हैं ना, खुशी फील करते हैं ना अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ सुथरे हो के नहा धो के। जब तक नहाए ना तो ऐसे लगा रहता है भी नहाए नहीं, आज गंदे कपड़े पहने हैं जर्म्स वाले, इसलिए टाइम से उठ के टाइम से नहा लेना, सब बच्चों ने नहा के फटाफट तैयार होके बैठ जाना है, स्टडी करनी है आपने। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से वी कैन डिवलप ए हेल्दी पर्सनैलिटी, इससे हम एक स्वच्छ व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अगर अपने साफ सुथरे रहेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, है ना, रहोगे ना हेल्दी, स्वच्छ स्वस्थ रहोगे। व्हेन वी आर क्लीन एंड हैप्पी आवर कॉन्फिडेंस यानी अपना विश्वास अपने आप पे जो होता है इनक्रीजेज, बढ़ता है। जब अपन अपने क्या होते हैं साफ सुथरे और खुश होते हैं तो अपना विश्वास बढ़ जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। वट कैन यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? द वेरी फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू कीप योर सेल्फ हेल्दी इज पर्सनल हाइजीन, अपने आप को स्वस्थ रखने का सबसे पहला तरीका क्या है, पर्सनल हाइजीन यानी अपनी स्वच्छता, व्यक्तिगत
स्वच्छता, अपने आप को साफ सुथरा रखना। Does it appear a difficult word? क्या आपको एक difficult यानी मुश्किल word यानी शब्द लग रहा है, मुश्किल शब्द लग रहा है ना? Personal hygiene. No children, नहीं बच्चों, नहीं है, not at all, नहीं है, सब नहीं है. We all should know the meaning of this word. हम सबको इस शब्द का अर्थ जानना चाहिए. क्या अर्थ होएगा इस शब्द का, अपने देखेंगे आगे. इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी एंड डिसीजेस फ्री, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, डिसीजेस फ्री यानी बीमारियों से रहित रहना चाहते हो, बीमारी ना हो आपको, तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो आपको इस शब्द का अर्थ जरूर जानना चाहिए भी क्या चीज़ है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो और बीमारियों से दूर रहना चाहते हो. तो ओनली नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज नॉट सफिशिएंट, केवल इस शब्द का मीनिंग जानना ही काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर इस पे अमल भी करना होगा अपने को. एक्चुअली असल में यू मस्ट फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन. असल में आपको अपनी खुद की पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता का प्रैक्टिस भी करनी होगी, फॉलो भी करना होगा उसको, कि अपने कैसे साफ सुथरा रहें, कैसे अपने को डिसीज फ्री रखें. अब आगे अपने पढ़ेंगे कि व्हाट इज पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, क्या है ये चीज़ व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद अपनी स्वच्छता क्या है. द एक्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय कीपिंग ऑफ सेल्फ क्लीन इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन. अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अपनी सफाई रखना ही पर्सनल हाइजीन होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता होता है. अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अपनी सफाई रखना, ये देखो बच्चे स्वच्छ होके जा रहे हैं ना, बातें करते जा रहे हैं स्वस्थ, इन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और कंघी वगैरह कॉम वगैरह किया हुआ है, देखो जा रहे हैं ना बच्चे सड़क पर. इस तरह अपने आगे पढ़ेंगे. इट वेरी सिंपल, क्या यह बहुत सिंपल नहीं है, साधारण नहीं है. पर्सनल हाइजीन इज आर अबाउट क्लीननेस इन आवर एवरी एक्ट. पर्सनल हाइजीन क्या होता है, हमारे हर काम में, इन आवर एवरी एक्ट, हमारे हर काम में सिर्फ सफाई के बारे में होता है, स्वच्छता के बारे में होता है. क्लीननेस यानी स्वच्छता होए, सब काम में अपने साफ होए, काम अपना साफ सुंदर होए. वेदर यू आर इन होम, इन स्कूल और एट होम, चाहे आप घर पे हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर पे हो. वेदर यू आर प्लेइंग और ईटिंग, चाहे आप खेल रहे हो, प्लेइंग मतलब खेल रहे हो, ईटिंग मतलब खा रहे हो, चाहे आप खा रहे हो चाहे खेल रहे हो. वेदर यू आर स्लीपिंग और वॉकिंग, यू शुड ऑलवेज मेंटेन क्लीननेस. चाहे आप सो रहे हो, ठीक है, स्लीपिंग यानी स्लो रहे हो, सो रहे हो, वॉकिंग यानी चल रहे हो, चाहे आप चल रहे हो चाहे सो रहे हो, तो आपको अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए. ऐसे नहीं गंदे बेड पे सो जाओ, साफ सुथरी चादर बिछी होनी चाहिए, सुंदर बेड तो चाहिए कैसा ही पर साफ होना चाहिए, ठीक है. चलते हुए सावधान, साफ सड़क पे, रोड पे अगर गंदी रोड होगी, छिलके वगैरह फेंक के पड़े होंगे, तो मतलब अपने कैसे मेंटेन करेंगे. शूज़ वगैरह साफ सुथरे पहनने होने चाहिए अपने, अपने को खुद की सफाई का ध्यान रखना है, आसपास भी सफाई का ध्यान रखना है, चाहे घर पे हो चाहे स्कूल पे हो, हर जगह
स्वच्छता का, क्लीननेस का ध्यान रखना है आपको। ये देखो बच्चे देख रहे हैं कीटाणु हैं हर जगह, ये देखो बने हुए कीटाणु, जैसे कोरोना का कीटाणु होता है वैसे ये जर्म्स हैं, इस प्लांट्स पे भी हैं, डस्टबिन में भी हैं, ये गेट पे भी है, जहाँ जहाँ गंदे हाथ लगते हैं वहाँ वहाँ जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। आप देखेंगे अपने को सफाई क्यों करनी चाहिए, क्लीननेस यानी स्वच्छता क्यों जरूरी है। चिल्ड्रन यू शुड नो दैट मैनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, कि बच्चों आप जानते ही हो, आपको पता ही आएगा कि बहुत सारी बीमारियां जो किससे होती हैं, कीटाणुओं से, जर्म्स यानी कीटाणुओं से। व्हेन दीज जर्म्स एंटर अवर बॉडी दे कैन मेक अस सिक, जब हम ये जर्म्स है जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो हमारे को क्या कर देते हैं, सिक यानी बीमार। दीज जर्म्स आर मेनली फाउंड इन डर्ट सॉयल प्लेसेस पॉटी एंड डर्टी आइटम्स, ये गंदी जगह पे अपने को मिलती है हर जगह। जर्म्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डर्ट धूल में, सॉयल मिट्टी में, फेसेस यानी पॉटी में एंड डर्टी आइटम्स और गंदी चीज़ों में। When we come in their contact, they stick to our hands. जब हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं यानी हाथ मिट्टी में करते हैं, गंदी आइटम्स पे लगाते हैं, पॉटी करने जाते हैं तो हैंड वॉश करनी करते, तो क्या होता है, जर्म्स अपने हाथों में स्टिक यानी चिपक जाना, अपने हाथों पे सारे जर्म्स चिपक जाते हैं। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं विदाउट वॉशिंग अवर हैंड्स दीज जर्म्स एंटर अवर बॉडी, जब हम खाना खाते हैं बिना हाथ धोए, विदाउट यानी बिना, वॉशिंग यानी धोए, अवर हैंड्स यानी अपने हाथ बिना धोए खाना खाते हैं, तो क्या होता है, ये जर्म्स है हमारी बॉडी के अंदर गंदे हाथों के साथ चले जाते हैं। ठीक है, समझा रही है। Therefore, cleanliness means keeping ourselves away from germs. इसलिए स्वच्छता का क्या अर्थ है कि हमें कीटाणुओं से दूर रखना, अपने आप को कीटाणुओं से दूर रखना है स्वच्छता का मतलब। Here are some important tips for cleanliness. यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं सफल स्वच्छता किस कैसे स्वच्छता रखी जा सकती है। नेवर गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन, डिफेक्शन का क्या मतलब है, मल त्याग यानी पॉटी करने के लिए अपने को खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। यूज़ ए क्लीन टॉयलेट, एक साफ़ सुथरी टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, शौचालय का यूज़ करना चाहिए। आफ्टर डिफेक्शन टॉयलेट जाने के बाद वॉश योर हैंड्स विद सॉप, अपने हाथ किससे धोने चाहिए, सॉप से, अच्छे सॉप से धोने चाहिए हाथ को। देयर मे बी मिलियन ऑफ जर्म्स ऑन आवर हैंड्स, हमारे हाथों पे मिलियंस जर्म होते हैं, जर्म्स है ना, ऐसे जर्म्स बहुत होते हैं, मिलियन में होते हैं। व्हेन वी वॉश द हैंड्स थ्रॉली विद सॉप दीज आर रिमूव्ड, जब हम अपने हाथों को सॉप से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, तो क्या होता है, ये चले जाते हैं, हट जाते हैं हाथों से, यानी अपने को हाथों को धोना चाहिए अच्छे से, और इसको जर्म्स चले जाएंगे, फिर अपने बीमार नहीं होंगे, अपनी तरफ स्वस्थ होएगी हर जगह। इस तरह आज मैं यहाँ तक लेसन कराऊँगी और कल आगे पढ़ाया जाएगा हाउ टू वॉश द हैंड्स, हाथों को कैसे धोना चाहिए। देखो धो रहे हैं ना, सारे स्टेप्स दिए हैं, पहले साफ पानी से गीले करो, फिर साबुन लगाओ, फिर उंगलियों के बीच और हाथों के ऊपर नीचे हर जगह कलाई तक हाथ साबुन रगड़ो, दो तीन मिनट तक 20 से 30 सेकंड तक रब करना हाथों को,
फिर वॉश करना है साफ पानी से, सारा साबुन उतार देना है, फिर जर्म्स जाएंगे आपके। इस तरह आपको आज क्लीनिंगनेस के बारे में पढ़ाया है, पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ाया है। आपने इसको घर पे रिपीट करना है, वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे, कितनी बार, 3 से 4 बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बार बार देखने से समझ आएगा, एक बार देखने से समझ नहीं आता, इसलिए वीडियो को बार बार देखा करो, 3-4 बार तो देखनी है आपने एक वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे लेसन बंद करती हूँ पढ़ाना, आगे कल पढ़ाया जाएगा, अगली वीडियो में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।